नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा सियासी ड्रामा हो गया। चार साल के बाद, जी हां, पूरे चार साल बाद धूल से सना एक पर्दा हटा और सियासत में एक दूसरे के दुआ सलाम से भी दूर होते जा रहे दो जिगरी एक बार फिर साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे, किसने कराया, क्या यह महज इत्तफाक है या इसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी? पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे आपको। कैसे आजम दूसरे किनारे लगे, कैसे मंच पर अमर की एंट्री हुई, ठीक वही कुर्सी मिली जिस पर आजम बैठते हैं। पूरी कहानी देखिए, पहले लखनऊ के उस मंच पर चलिए, बाद में पर्दे के पीछे की कहानी भी बताएंगे। मुलायम के मंच पर अमर, उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले चार साल से ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मंच पर अखिलेश का सामना अमर सिंह से हुआ, जिस अमर सिंह के कहने पर अखिलेश राजनीति में आए, जिस अमर सिंह ने अखिलेश को सियासत का काखा गाधा सिखाया। आज वही अमर सिंह अखिलेश के सामने हाथ जोड़े खड़े, भले ही ये प्रोटोकॉल का अभिवादन हो, लेकिन ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। देखिए कैसे दोनों की नजरें मिली, लेकिन इतने कम समय के लिए कि कैमरे भी नहीं पकड़ पाए। देखिए कैसे अखिलेश और अमर एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन पहले अमर सिंह ने हाथ जोड़ा, अखिलेश देख नहीं पाए तो दूसरी तरफ नजर घुमाई। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। खैर, सबका अभिवादन करके अखिलेश आगे बढ़ गए। अब बारी मुलायम की, मुलायम आए, मुलायम ने हाथ जोड़कर अमर सिंह का अभिवादन किया, दोनों के बीच मंच पर ही दुआ सलाम हुई। माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। मुलायम के ही सीधे बुलावे पर अखिलेश के मंच पर अमर सिंह बैठे थे। अब देखिए मुलायम भी आगे बढ़ गए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, आगे के हालात ने खुद अमर सिंह के साथ साथ मुलायम और अखिलेश को भी असहज कर दिया। अमर सिंह शिवपाल के साथ बैठ गए, लेकिन अमर सिंह के दाईं तरफ की पहली कुर्सी खाली रही। इसी खाली कुर्सी के ठीक बगल में अखिलेश बैठे हुए थे, यानी अमर सिंह और अखिलेश के बीच एक कुर्सी का फासला था। सिर्फ इसी फासले में दोनों के बीच की सियासी दूरियां खुलकर दिख गई। अब सुनिए अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव के लिए क्या कहा। सब बताओ, क्या तुम समाजवादी हो? मैंने कहा नहीं, जलेश्वर जी हैं। आपकी परिभाषा से और संघर्षों के इस मानव और मापदंड के अनुसार समाजवादी तो कतई नहीं। हंस के कहने लगे, भाई खाओ तुम क्या हो? मैंने कहा मैं मुलायमवादी। अपने भाषण में अमर सिंह ने कहा कि वो समाजवादी नहीं मुलायमवादी है। अब देखिए मंच पर किस नेता की गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा की वजह बनी रही। मंच पर सबकी नजरें समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान को तलाश रही। आजम खान इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस मंच पर एक और बड़ी बात हुई। पहले सारे नेता आजम का इंतजार करते रहे, लेकिन जब आजम नहीं आए तो उनकी कुर्सी पर अमर सिंह को बिठा दिया गया। यानी जो सम्मान आजम खान को मिलता, समाजवादी पार्टी ने ठीक वैसा ही सम्मान आज अमर सिंह को दे दिया। विपिन चौबे, लखनऊ, इंडिया न्यूज। अमर सिंह फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। सियासी हलकों में चर्चा है कि मुलायम के दोबारा अमर प्रेम के बाद अमर सिंह की राज्यसभा में कुर्सी बच सकती है। खैर, ये तो सूत्रों से मिली खबर है, लेकिन मुलायम के अमर सिंह फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। सियासी हलकों में चर्चा है कि मुलायम के दोबारा अमर प्रेम के बाद अमर सिंह की राज्यसभा में कुर्सी बच सकती है। खैर, ये तो सूत्रों से मिली खबर है, लेकिन मुलायम के अमर प्रेम में पर्दे के पीछे की कहानी भी कुछ है। कौन है जिसने चार साल बाद मुलायम अमर को एक मंच पर ला खड़ा किया? कैसे मुलायम ने पहल की, कैसे अमर ने उनका मान रखा? अमर सिंह को कैसे और क्यों मुलायम ने मनाया, इसके पीछे बहुत बड़ी सियासी कहानी है। आप सिलसिलेवार समझिए। अमर सिंह दिल्ली में थे जब उन्हें मुलायम का फोन आया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मुलायम सिंह यादव ने दोबारा उन्हें फोन किया। अमर सिंह ने मुलायम से बात की, हालचाल पूछा और याद करने की वजह भी पूछ डाली। मुलायम ने वजह बताई, लखनऊ बुलाया,
जनेश्वर मिश्रा के नाम पर बनाए गए पार्क के उद्घाटन समारोह के बारे में बताया और उन्हें भी समारोह में मंच पर मौजूद रहने की अपील की। अमर सिंह कहते हैं, बस इतनी सी ही तो बात है। जनेश्वर जी की स्मृति में कार्यक्रम है, उसमें मुलायम सिंह जी ने मुझे बुलाया था, मैं उसमें सम्मिलित हूं, हमारी कोई राजनीतिक बात नहीं। अमर सिंह चाहे जो कहें वो ना माने, वो लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के साथ मंच शेयर करने की घटना को भी निहायत ही साधारण बता दें, लेकिन मुलायम सिंह यादव का फोन जिस वक्त और जिस हालात में अमर सिंह के पास आया है, ये उनके लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं है। हालांकि अमर सिंह इसे नहीं मान रहे, लेकिन जरा हालात पर गौर कीजिए। कभी सियासत में दो शरीर मगर एक जान है हम, इस तर्ज पर मुलायम सिंह के साथ खड़े दिखने वाले अमर सिंह की क्या हालत हो गई? कहां तो वो मुलायम की चौखट से बाहर बाजीगर बनने निकले थे, लेकिन आज की तारीख में वो एक भी बाजी नहीं जीत पाए। एक एक कर राजनीति में उनकी तीन बड़ी हार हुई। अमर सिंह की पहली बड़ी हार ये हुई कि छोटे चौधरी अजीत सिंह के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से उनकी जमानत जब्त हो गई। दूसरी हार, कांग्रेस ने उन्हें घास तक नहीं डाला जबकि दो सालों तक अमर सिंह एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। तीसरी हार उनके पूर्वांचल में हुई, जहां मुलायम के दल से निकाले जाने के बाद अमर सिंह के लोकमंच को पूर्वांचल की जनता ने नकार दिया। लेकिन मजबूरी सिर्फ अमर सिंह की ही नहीं, मुलायम की भी है। अखिलेश के आजम चाचा उनसे बिदके हुए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सोमवार को हुए उर्दू अकेडमी के समारोह में आजम की वजह से सीएम की बेइज्जती हुई। पूरा समारोह डेढ़ घंटे बाद शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि आजम खान ने ही इस समारोह का आयोजन करवाया था, लेकिन वो नहीं आए। अब ये जानिए कि कल तक अखिलेश सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले आजम इतने नाराज क्यों हो गए? इतने नाराज कि लखनऊ के समारोह में उनकी कुर्सी मुलायम सिंह यादव को किसी और को देनी पड़ी। देखिए ये तस्वीरें, कहां बैठे हैं अमर सिंह, सीएम की कुर्सी के ठीक एक कुर्सी बाद। कभी इस कुर्सी पर आजम खान बैठा करते थे। आजम के गुस्से की वजह शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव है। खबर है कि इस बोर्ड की सुप्रीम कुर्सी पर आजम खान अपने पसंदीदा आदमी को बैठाना चाहते थे, लेकिन शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने मोर्चा खोल दिया। लखनऊ में हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार सीधे सीधे शिया सुन्नी के झगड़े में सरकार फंस गई। एक तरफ कल्बे जव्वाद जैसा बड़ा शिया धर्मगुरु तो दूसरी तरफ आजम जैसे नेता। फैसला मुलायम को करना था। कठोर दिल से मुलायम ने 12 अगस्त को होने वाले शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव रद्द कर दिया। बस यहीं से अमर सिंह की एंट्री हो गई और आजम किनारे लगने लगे। कि अखिलेश सरकार अपने मंत्री को ही क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रही? फिर उनके मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो चाहता था कि इसकी जांच हो जाए और जांच की कार्रवाई नहीं हुई, तो वो अलग बयां दर्द बयां कर रहे हैं और ये सारी बातें अलग बना हो रही हैं। आजम की गैर मौजूदगी में अब मुलायम अखिलेश का पूरा मंच देखिए। कुनबे और परिवार की राजनीति से परेशान मुलायम का मंच कैसा दिख रहा है? मुलायम अखिलेश के साथ साथ ब्राह्मण चेहरा राजा राम पांडे, ठाकुर चेहरा अमर सिंह, मुस्लिम चेहरा अहमद हसन, मुलायम का नया कुनबा तैयार दिख रहा है, लेकिन इसमें आजम नहीं है। आजम को भी इस बात का एहसास हो गया है कि उनके लिए मुलायमवादी बने रहना मुश्किल है। कार्यक्रम यकीनन जनेश मिश्र जी से मुताल्लिक था और मुझे जाना चाहिए था। ना देखिए, वो तो मुझे जाना भी चाहिए था और मुझे उसमें न जाने का अफसोस भी है। मुझे जाना चाहिए था, मैं किन्हीं वजूहात से नहीं जा सका। मुझे जाना चाहिए था और मुझे न जाने का अफसोस है। आजम गए तो मुलायम का अमर प्रेम फिर से जाग गया। यही अमर प्रेम पार्ट टू की सीधी और सरल कहानी है। लखनऊ से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। विपिन, आजम ने कह तो दिया कि अमर सिंह और मेरी दुनिया अलग अलग है, लेकिन क्या ये कहते पे उन्हें इल्म था कि अब उनकी दुनिया शायद समाजवादी पार्टी में उतनी व्यापक न रहे जितने मुलायमवादी हो चुके अमर सिंह की हो? देखिए, थोड़ा मुश्किल होगा अनुराग, और बहुत जल्दी प्रिडिक्शन और बहुत जल्दी किसी फैसले पर पहुंचना भी ठीक नहीं होगा। ये मुलायम सिंह है, इनको पता है कि कब किसको ऊंचा उठाना है, कब किसको नीचा गिराना है, कब किसको बैलेंस करना है और कब किसको डिसबैलेंस करना है।
तो मुलायम अपनी राजनीति को नहीं, लेकिन विपिन ये छोटी बात इसलिए भी नहीं है, विपिन कोई संबंध किसी तरह की कोई चर्चा कोई 1-to-1 बीच में नहीं रहा है मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह में। लेकिन अचानक अगर आपने जैसा कहा मुलायम जानते हैं कब उन्हें क्या करना है, तो अगर वो आजम की कुर्सी पर अमर सिंह को बिठा रहे हैं तो इसके मायने तो हैं। देखिए आजम खान एक पॉलिटिशियन है और अमर सिंह एक मैनेजर है, इस बात को हमें समझना होगा। सरकार को इस तरह पॉलिटिशियन के नहीं मैनेजर की जरूरत है जो अच्छा मैनेजमेंट कर सके, और इस वक्त अमर सिंह की दरकार है मुलायम सिंह यादव को, ये सभी जानते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव का परिणाम सबने देखा है कि समाजवादी पार्टी के लिए कितना घातक रहा है। अगर आजम खान अमर सिंह की वापसी होती है तो ये मुलायम सिंह यादव कुंदे के लिए बेहतर होगा मैनेजमेंट के लिहाज से, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो नुकसान है। नुकसान इस लिहाज से है कि एक लंबी चौड़ी ऐसी तादाद है, एक लिस्ट है जो अमर सिंह से इत्तफाक नहीं रखती, अमर सिंह की विरोधी है, और बहुत सारे ऐसे नेता है, हम सिर्फ दो बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं अनुराग, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता है जो आज के प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए लखनऊ में रहते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मंच पर अमर सिंह बैठे हुए थे। तो नफे नुकसान का आकलन करना होगा, किसको कहां कैसे बैलेंस करना यह भी आकलन करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अमर सिंह के मंच पर आने से बहुत सारे नेताओं को बेचैनी बढ़ गई है। ये आगे किस तरह की रणनीति मुलायम अपनाते हैं और क्या मंच पर आना एक सुगबुगाहट एक आगाज है, और आने वाले दिनों में क्या सतमुच साइकिल पर सवार हो जाएंगे अमर सिंह, ये देखना होगा। सवाल ये भी है विपिन के अमर सिंह साइकिल पर सवार होंगे या फिर अमर सिंह वो साइकिल चलाएंगे जिस पर नेताजी सवार होंगे, क्योंकि आपने अभी अभी खुद माना है कि समाजवादी पार्टी को और मुलायम सिंह यादव को अब एक मैनेजर की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल है, और जब वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लेंगे और वापस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो वो सारे काम करेंगे जो पिछली सरकारों में किया करते थे। और अमर सिंह आप जानते हैं एक ऐसी खिलाड़ी है जो एक ऐसा डिश है, एक जैसे सब्जियों में हम लोग आलू का जिक्र करते हैं कि किसी भी सब्जी में डाल दो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो पानी है और अपने आप में सब्जी में आलू है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं कि कहां उनको कैसे एडजस्ट करना, अमर सिंह बखूबी जानते हैं और वो माहिर खिलाड़ी हैं। अगर लेकिन ग्रीन सिग्नल अगर मिल जाता है पार्टी की तरफ से सरकार की तरफ से तो वो खुशी खुशी चले जाएंगे पार्टी और सरकार में, लेकिन ये बहुत बड़ा धड़ा है जिसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी या तो छोड़नी पड़ जाएगी या पार्टी से निकाला जाएगा। खैर ये नफा नुकसान तो मुलायम सिंह यादव सोच चुके होंगे और उसी का नतीजा है कि उन्होंने सब सोचने के बाद सारा मैथमेटिक्स निकालने के बाद भी अमर सिंह को उस मंच पर वो कुर्सी दी जो आजम खान की हुआ करती थी। विपिन बने रहिएगा हमारे साथ, हम इस वक्त सुनवाते कि इस पूरे मामले पर आजम खान क्या कह रहे हैं। आजम खान को यह लग गया है कि उनके नीचे से मुलायमवादी जमीन अब खिसक गई है। देखिए हमारी ना इत्तेफाकी का तो उनसे कोई इसलिए नहीं रहा मामला कि उनकी दुनिया और हमारी दुनिया, और हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, जमीन के आदमी हैं, हमारे शौक भी लगे। भाई जब मैं खुद ही नहीं गया तो मुझे उस मंच से क्या लेना, उसके एतराज से क्या लेना। विपिन ये आजम खान साहब जितना भी सहज होने की कोशिश करें लेकिन उनकी बातचीत से उनकी खुन्नस जाहिर हो रही है। बिल्कुल साफ है कि अगर वहां पर आजम खान लखनऊ में रहते हुए नहीं गए तो कोई मेहमान इसकी वजह नहीं था। जब पार्टी के सुप्रीमो वहां पर हो, मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार हो, पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद हो, तो अमर सिंह का ना जाना अपने आप में वो एक संदेश देना चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा नाराज है। और अब वो वक्त आ गया है जब खुद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो खुद आकर बना है। आपको याद होगा इससे पहले जब आगरा में सम्मेलन था 3 दिन तक, तकरीबन 72 घंटे तक उन्होंने अपने आप को अपनी कोठी में बंद कर लिया था। मजबूरन मुलायम सिंह यादव को घुटने टेकने पड़े थे और अखिलेश यादव को उनके घर जाकर उनको मनाना पड़ा था। इस बार भी नाराज है। कल मुख्यमंत्री आवास पर एक फंक्शन था उर्दू अकादमी का, उसमें बतौर अध्यक्ष की भूमिका उसमें निभानी थी, अध्यक्षता करनी थी पूरे प्रोग्राम की, लेकिन लखनऊ में रहते हुए आजम खान नहीं गए। मैसेज देने की कोशिश की मैं नाराज हूं। आज फिर ऐसा ही हुआ कि एक के बाद एक दो ऐसे वार हुए आजम खान के ऊपर पार्टी और सरकार की तरफ से। एक तो पहले शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव उनकी मर्जी के बगैर टाले गए। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि जनेश्वर मिश्र पार्क के उद्घाटन के मौके पर अमर सिंह जैसी शख्सियत जिसके जानी दुश्मन माने जाते हैं रामगोपाल यादव और आजम खान, उनके जानी दुश्मन को मंच पर जगह दी गई और वो भी यहां भी मुलायम ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। विपिन राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, अमर सिंह की मुलायम सिंह यादव के मंच पर मौजूदगी ने साबित कर दिया है। लेकिन आपको अमर सिंह की वो अमरवाणी सुनाते हैं जब समाजवादी पार्टी से बाहर निकालने के बाद अमर सिंह ने जपी थी, जब अमर ने रामगोपाल यादव को ललकारा था और मुलायम को पुचकारू यादव बोला था। आपका विषय करते रही, मुलायम सिंह को मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। एक है वहां पर ललकारू यादव और एक है पुचकारू यादव। बाल गोपाल है ललकारू यादव और मुलायम सिंह है पुचकारू यादव।
और मैं ना ललकारू के चक्कर में हूँ ना पुचकारू के चक्कर में हूँ। चले इस खबर पर विपिन हमसे बात करे थे, उनका बहुत बहुत हम शुक्रिया करना चाहेंगे।